कई बार ये देखते हैं कि हम गाय गर्मी पे आई और तुरंत हम लोग गाभिन करा देते हैं, लेकिन कभी भी हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो गाय से जो सफ़ेद पदार्थ निकलता है जिसको हम श्लेष्मा बोलते हैं, वह स्राव किस कलर का है, उसका रंग कैसा है। हमेशा उसके रंग पर ध्यान देना चाहिए। उसका रंग बिल्कुल शीशे की तरह साफ, यानी जैसे पानी का कलर होता है वैसे थोड़ा गाढ़ा लिए हुए, गाढ़ेपन लिए हुए पानी के रंग जैसा होना चाहिए। कभी भी यह पीले रंग का नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का पीलापन या थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है, यह इस बात का द्योतक है कि उसमें कुछ न कुछ संक्रमण है, इन्फेक्शन है। और यदि संक्रमण है तो ऐसी अवस्था में हम गायों को गाभिन न कराएं, क्योंकि संक्रमण का मतलब ये होता है कि एक तरह की बीमारी से यह गाय ग्रसित है, उसके बच्चेदानी में एक बीमारी है जिसको एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। तो पहले हमें इस एंडोमेट्राइटिस का उपचार कराना होगा, और जब हम इसका उपचार कराते हैं कुछ एंटीबायोटिक और कुछ अन्य दवाओं से, पशु चिकित्सक इसका इलाज करते हैं, और एक बार जब इसका लगभग एक हफ्ते का उपचार हो जाता है, इसके बाद जब गाय दोबारा गर्मी पर आती है तो फिर हम गाभिन कराएँ।